लेकिन अगर आप मेरे को गाली गलौज करोगे तो मैं गाली गलौज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, जिनको गोली लगी है, उन्हीं को पकड़ के ले गए, रखा है तिहाड़ में, कर दिया 308 लग गई है, लेडी पावर यूज की जा रही है। के जेंट्स ने भी तो आपके ऊपर हाथ उठाया? बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल। उनके ऊपर क्या 308 लगा? नहीं, 308 नहीं लगा उनके ऊपर। ड्रिंक करके हमारे घर पे लड़ने आए हैं। मैं भी फॉल्स एलिगेशंस लगा दूं, मजबूत हो जाएगी। मैं भी लेडी हूं, मैं भी लेडी पावर यूज करूं। जितना मिलता है ना उसका गलत फायदा मत उठाओ आप। अगर हम वीमेंस हैं तो वीमेंस की तरह हमें रहना चाहिए, लेकिन अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। उनकी लड़कियां मिडल फिंगर दिखा रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, जो चीज़ होती है ना हमारे घर में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मारपीट लिया बच्चा है, हम गलती मांग लेते हैं, लेकिन वो गाली गलौज करेंगे तो हम गलती नहीं मांगेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस्तरार में। मैं श्रेया जग मौजूद हूँ मैं दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित सीमेंट साइट बस्ती में। यहाँ पे खबर निकल के सामने आई थी कि दशहरे वाले दिन यहाँ पर दो परिवार के बीच में कहा सुनी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, बात यहाँ तक आ पहुँची कि हाथापाई हो गई और हाथापाई के बीच में यहाँ पर गोलियाँ भी चली हैं और गोली इस तरीके से चलाई गई है। सरेआम मैं आपको दिखाती हूँ कि गोली कहाँ चली है। ये घर है, ये घर आपको नज़र आ रहा होगा। इस घर ये प्रधान जी का घर है, जो यहाँ के प्रधान है ये उनका घर है। फिलहाल यहाँ के प्रधान को अभी जेल में बंद कर दिया गया है और ये वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे खड़े होकर गोलियाँ चलाई गई है। दो से तीन राउंड शायद यहाँ पे फायरिंग हुई है और जिस तरीके से यहाँ पे गोली चलाई गई है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि ये देश की राजधानी है, यहाँ की कानून व्यवस्था आप दिन पर दिन देख सकते होंगे किस हद तक यहाँ पे कानून व्यवस्था गिर चुका है कि यहाँ पे खुलेआम जो लोग हैं वो पॉकेट में रिवॉल्वर, पॉकेट में गन्स लेकर घूम रहे हैं। वो कोई गन पटाके, दिवाली के पटाके वाले गन की बात नहीं कर रही हूँ मैं नॉर्मल गन की बात कर रही हूँ, जो गोलियों वाला गन है। और खुलेआम यहाँ पे गोलियाँ चलाई जा रही है, खुलेआम यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं, लोगों का घर है यहाँ पे और जिस तरीके से यहाँ पे गोलियाँ चलाई जा रही है वो आप सभी देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ फिलहाल एक पक्ष के यहाँ पास में और जिन दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई थी एक परिवार के पास यहाँ पे मौजूद हूँ। बात करेंगे इनसे क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं, वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और सारी वारदात देखिएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी जिस शख्स को गोली लगी थी उनका कोई परिवार मौजूद है, ये मुझे बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है, लोग सरेआम आके यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रहा होगा उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर गोली थोड़ी सी भी ऊपर या नीचे लग जाती तो उनकी जान जा सकती है। लग गई थी, फोन बचा लिया, फोन ने बचा लिया, बस पॉकेट में जैसे मैंने फोन रख रखा है ना, पॉकेट में फोन रखा हुआ था और गोली बाई चांस यहाँ पे लगी जिस वजह से फोन से की वजह से जान बची है। अरबला में आज नुकरकन है, हैं हम इतनी शाम की माफी मांग लाग रहे हैं। वो आपके भतीजे थे जिनको लगी है गोली? हाँ हाँ, भतीजे थे। क्या कुछ हुआ था कुछ और बताना चाहेंगे जो आपने उनको बताया? बस छोटे छोटे बच्चे की लड़ाई हो रही थी आपस की, निमटा दिया था। मैं बार बार आवा में बस नहीं हो रहा था। और क्या हुआ था? और लड़ाई झगड़ा हो गया, खूब बंदूक चल आई है, मेरा लठ आपके घर के सामने चलाई है। हाँ, मेरा लठ मार कर गया है। लठ मार के गया? हाँ, आ रहा है। ये दुख है, ये भी दुख है सारा, मैं पड़ गई। तो ये दो परिवार की कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई हुई है दो परिवारों के बीच में हुई है। हाँ। और वजह क्या थी? क्या वजह लड़ाई की? क्या वही छोटे छोटे बच्चों की, बच्चों की आपसी लड़ाई हुई थी? हाँ। लड़ाई किस वजह से हुई? उनके आपस के बालक नु खेल जाओ, छोटे छोटे बच्चे, इस वजह से लड़ाई हुई। हाँ। और क्या कुछ उन्होंने क्या धमकी दी है उनकी तरफ से? क्या कुछ हम शाम के दब कह रहे हैं कि जाओ जाओ माफ़ी दो, ठोडी भी हाथ कर ले हैं, पैर भी पकड़े हैं, तारा को मर जाएगा मारा मर जाएगा, ठीक फिर भी कोना माने। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि जिनको गोली लगी है वो यहाँ पे रहते ही नहीं थे, वो अपनी बहन को दिवाली देने आए थे। ना ऐसा नहीं है। आड़ है पिछले का यही रहता, जिन्होंने मारा है वो नहीं, जिनको गोली लगी है वो यही रहते थे? ना वो अपने बहन के आड़ आया था, बहन के आए थे दिवाली देने। हाँ, बहन के आड़ा आया था उस कल, तो परसों तो होया ही हो, परसों की बात है ये। तो पुलिस ने जिनको गोली लगी है उनको क्यों गिरफ्तार किया? देख लो जी आप समझो, आपके परिवार से कितने लोगों को गिरफ्तार किया? चार लोगों की है, दो इनके और दो उनको की, उनके किया है जिन्होंने गोली चलाई है। जो बंदूक खड़ा था वो तो पकड़ा ही नहीं गया, वो तो फरार हो गया। हाँ, फरार हो गया जी, मारे वो कौन करवाए के क्या करे वो क्या थाने में क्या बोलते उसको? हाँ, FIR नहीं लिखवाई थी हमारे, कुछ भी नहीं करवाया था,
और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे। सर जिस तरीके से आपके आप उन्हीं परिवार से हैं ना आपका? नहीं, हम इस परिवार से इन्हीं परिवार की बात कर रहा हूँ जिनको गोली लगी थी। जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग हुई है, ओपनली यहाँ पे फायरिंग हुई है और गोली चलाई गई आपके घर के बाहर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना था, आप समझ रहे घर के बाहर गोली चला रहा, गोली चला रहा, वो ज़्यादा बड़ा बदमाश है मैम। फिर उसको घर वालों ने सपोर्ट दिया है, उसका चाचा पूरे सपोर्ट देता है, और खुलेआम फायरिंग मारा था, किसी बच्चे के भी लग सकती थी वो। एक बार शुरू से अंत तक बताएंगे क्या कुछ हुआ? क्या कुछ हुआ, वो सब आए पहले इधर फैसला करने के लिए, सब आराम से बैठे हुए थे। जो उनका अर्जुन है ना लड़का, वो गाली गलौज से बात कर रहा था, तो एकदम उसने फ़ोन करा सबके पास, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उधर से आए, उनके पास दो गन थी, एक गन उनकी चली नहीं, दूसरी गन से उसने दो गन थे उनके पास, उन्होंने यहाँ पे फायरिंग मारी। तो जो मेरा है कौन बोलो, मतलब जिस तरह से नॉर्मली पड़ोसी में लड़ाई हुई है, ऐसे ये मान सकते हैं कि नॉर्मल कहाँ सुनी होगी, बहसबाजी हो गई, देखिए भाई पड़ोसी में लड़ाई होता है, हम भी जा रहते हैं हर ऐसे, तो कहीं नहीं है कि कहीं पड़ोस में लड़ाई नहीं होती हो, लेकिन गोली निकाल के गोली दो बंदूक पॉकेट में रख के घूम रहे। वो बदमाश है ना मैम, इसे मारे उसके उसको हवाबाजी दिखाने का मजा आता है, फुकरापंती करता है हमेशा वो। उनके पास गोली रखने का या बंदूक रखने का, बंदूक चलाने का लाइसेंस कहाँ से है? लाइसेंस दिया किसने? लाइसेंस नहीं है उसके पास, उसका ना एक भाई है, क्या नाम है, वो जेल में बंद है उसका भाई, तो उसके ऊपर गोली चलाई थी, वो फरार है। हाँ वो फरार है। एक वो नितिन नाम का लड़का है, उसको तो प्रशासन, उसको पार्टी ने छुड़वा दिया, बीजेपी की पार्टी थी रानी बाग से आए, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। मैन बंदा अर्जुन है, उसके बाद नितिन है। बीजेपी के पार्टी के सदस्य से की बात कर रहे हैं, यानी कि भाजपा के किसी अध्यक्ष ने उन गुंडों को छुड़वाया? हाँ यस। अच्छा तो देखिए जो मामला है बड़ा ही उलझता जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे घटना निकल के सामने आई है, अभी तो फिलहाल समाचारों में हर जगह ये चल रहा है कि नॉर्मल लड़ाई में कहाँ सुनी गोली चली। आप ये बताओ पहले, जिनके गोली लगी उसको कौन बंद करता है पहले, आप ये बताओ? जिनके ऊपर गोली चलाई है उनको बंद करती है, जिसने गोली चलाई है वो फरार हो गया। तो ये कौन सा, क्या ये क्या हो रहा है मैम? प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा प्रशासन। आपके घर से चार लोगों को और गिरफ्तार? हमारे घर को चार लोगों से गिरफ्तार कर लिया, हमारे मोबाइल थे वो भी वहीं रख रखे, मोबाइल भी नहीं दे रहे वो। जिस मोबाइल के वजह से जान बची है, गोली नहीं लगी, उस मोबाइल को भी उन्होंने अपने पास रख लिया? यस मैम, उन्होंने रख रखा उसको भी, और नहीं दे रहे बस। देखिए जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार करा है, उनके वहाँ से दो लोगों को गिरफ्तार किया, आपके परिवार से चार लोगों को गिरफ्तार किया है, लड़ाई हुई थी, वजह क्या थी लड़ाई की? मेन तो मुद्दा यही है कि वजह क्या थी लड़ाई की? वजह ये थी मैम, पहले का उसने बैर निकालना चाहता था वो। पहले का बैर निकालना चाहता था? पहले से कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, पहले लड़ाई हुई थी ना उससे पहले, दो साल पहले उसने फायरिंग मारी थी इधर यहाँ पे आपके घर के पास, दो साल पहले भी मारी? हाँ, जब उस टाइम फैसला हो गया था कि आपस में कोई बात नहीं, चलो उस टाइम हमने कंप्लेंट नहीं करी थी। पहली लड़ाई किस, मतलब स्टार्टिंग से वजह क्या रही है ये मैं पूछना? कुछ भी वजह नहीं थी, सिर्फ फैसला करने आए थे। लड़ाई तो दूसरे परिवार से हुई थी लड़ाई तो। अच्छा। जो हमारा दूसरा परिवार है ना, उनसे लड़ाई हुई थी, दो बच्चे थे उनकी लड़ाई हुई थी, तो उनका मैटर क्लोज हो गया था, तो ये इन्होंने भड़काया उनको, नितिन अर्जुन बदमाश जिनको गोली लगी है, वो यहाँ पे रहते भी नहीं थे, उनकी अपनी बहन को दिवाली देने आए थे वो। यस यस यस, वो साला था भाई का। बहुत ही मामला यहाँ पे ऐसा निकल के सामने आया है कि इनका कहना है, इनका आरोप है कि जिनको गोली लगी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंदाजा लगाइए कि जिनको गोली लगी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिस तरीके से यहाँ पे दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई है, कहाँ सुनी हुई है, गोली चलाने का क्या मतलब था? अगर पॉकेट में फ़ोन नहीं होता तो शायद उन शख्स की जान जा सकती थी, किस तरीके से वो जख्मी हालत में थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। देखिए लड़ाई तो दोनों तरफ से हुई है, फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई बड़ी बात नहीं हो, दोबारा गोलीबारी आ गया यहाँ पे आके कर दे। जिस तरीके से यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार मैम, आप उन शख्स की क्या? मैं उसकी बहन हूँ, मेरा भाई है। वो दिवाली देने आए थे आपको? जी हाँ जी। वो यहाँ पे रहते भी नहीं? नहीं आते रहते हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते रहते हैं, या काम भी करते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम भी किया। पर्सनल दुश्मनी नहीं था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो होता है ना सेल्फ डिफेंस में, वो यहाँ खड़े थे, ऐसे रिश्तेदार हमारे ही होता है कि हमारे में समझाते हैं एक दूसरे को, ऐसा होता है, लेकिन वो तो समझाने से पहले उसको ही फायर कर दिया है। वो अगर उसको इधर उधर थोड़ी सी लग जाती, फ़ोन बचाव ना करता, तो जिम्मेदार कौन होता और कौन बोलता? उल्टा हमारे ऊपर ही बोले कि क्रॉस फायरिंग हुई है, क्रॉस फायरिंग हमारे पास कुछ तो एलिगेंस लगा रही है कि क्रॉस फायरिंग हुई, तो मतलब उन्होंने बोला है कि वहाँ से भी फायरिंग हुई है। देखो अपने सेल्फ डिफेंस में हमने जो भी किया है, अब देखो अगर आप मुझे मारने आओगे तो मैं पिटती तो रहूँगी नहीं ना,
और मैं तो घर पे जाके उनको पीट के नहीं आई ना। अगर वो मेरे को बार बार ललकार के पीट रहे हैं तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, पीटती हूँ। क्यों पीटने आ रहे हैं आपके घर के बाहर? वो रीजन क्या है? रीजन ये था कि हमारे आपस में बच्चों का झगड़ा हुआ था। बच्चों का झगड़े में उसके बेटे को एक दो थप्पड़ लग गया, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को क्यों मार दिया, हमारे बेटे को क्यों मार दिया। ऐसा गाली गलौच बेहुदा बोलते हैं जो सुनने लायक भी नहीं उन लेडीजों का। उनको मैंने दो बार बोला कि मैंने उनको हाथ लगाया कि आप ऐसे मत बोलो। कितने साल के हैं जिन दो बच्चों के? 17 साल के बच्चे। कैसे नॉर्मल खेलते हैं, खेल लड़ाई हुई है? ऐसा नहीं कह सकते, वो साथ में बैठते उठते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, पार्टी आ रही है, वॉलीबॉल टाइप भी खेलते हैं। तो वो लड़ाई हुई तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, समझा देते हैं। उन्होंने हमारे को समझाया, हमने उनको समझाया, हाथ जोड़ के सब कुछ हो गया। लेकिन वो बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा जो चीज़ हुई है वो गलत हुई है, जो बहुत गलत है, और मेरे को नहीं लगता कि ये जस्टिस है। अब उसको फायरिंग है और उसी पे 308 लगी हुई है। उन्होंने क्या यूज किया? लेडी पावर यूज करते हैं हम। ऋतिक ने हम पे हमला किया। अगर हाथापाई मेरे से हुई है तो आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाओ। समझ आता है कि लेडीज की लेडीज से हुई थी? मेरे भाई ने कोई, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितने मौजूद हैं, आप पूछ सकते हो कि लेडीजों को किसी ने, जेंट्स ने पीटा? किसी ने भी नहीं पीटा। हमारे साथ हाथा पाई हुई है, अगर चोट उनका है तो चोट हमें भी लगी है। ये देखो हाथ तक नहीं उठ रहा है मेरा, इतनी लगी हुई है। अभी मैं जा रही थी MLC कटवाने, उस टाइम मेरे को फील नहीं हुआ, लेकिन अब पूरा नीला हो रखा है ये, समझ रहे हो आप? कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि मैम बच्चों की लड़ाई थी यहाँ पे, बच्चों की लड़ाई थी, बीच में माता पिता भी आ गए, परिवार शामिल हो गया, तो यहाँ पे हाथापाई हुई है। वो लोग आए, उन्होंने गाली गलौज कर हाथापाई हुई, पूरा सब कुछ ही कर दिया उन्होंने, डंडे लो सब कुछ लो। और फिर आप लोगों ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ, हाँ बिल्कुल किया है। अब मैं आपके पास वीडियो शेयर कर सकती हूँ उस चीज की, बाकायदा आप उसमें देख लेना कि हम कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही हैं, आप बता सकते हैं। और फॉल्स एलिगेशन से लगाने से मैम कुछ नहीं हो जाता है, जस्टिस तो होता है ना, और मुझे जस्टिस पे बिलीव है। थाने में कंप्लेन, पंजाबी बाग, मुझे जस्टिस पे बिलीव है कि मुझे मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर होगी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जिन आयु के अंदर केस, उनका नाम क्या? मैम ये मुझे नहीं पता है। थाने इंचार्ज का नाम भी नहीं? नहीं मुझे नहीं पता। चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन जिस हिसाब से अभी गोली चली है मैम, उनको गोली रखने का या फिर दो बंदूक रखने का लाइसेंस? नहीं नहीं लाइसेंस नहीं थी, इलीगल है बिल्कुल, वो इलीगल है। हाँ और रहते हैं वो यही है, बस इस पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। और फॉल्स एलिगेशंस लगाने से कोई जस्टिस नहीं मिलता। लेडीज पावर यूज कर रहे हैं वो अपने की, हाँ भाई हम अगर अपने ऊपर केस ले लेंगे। उनके जो एक टोपी वाला है, मैं वीडियो शेयर करूंगी, जो टोपी वाला उनका जो बड़ा बुजुर्ग को समझाने की बजाय वो उल्टा हमें गाली गलौज कर रहा है, बोल रहा है तेरे को घर से उठवा लूंगा, गुंडागर्दी चाहते हैं वो। या तो माफी मांग लेंगे, हमसे पैर पकड़ के पैर जोड़ लेंगे हमारे, नहीं तो उनको बिछा दो सबको। ये वर्डिंग उनकी वीडियो में है, आप सुन सकते हैं। या तो आप लोग माफी मांग लो, या तो वो आप लोगों को, नहीं हम माफी मांगने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप गाली गलौज करोगे तो हम माफी नहीं मांगेंगे। आराम से बैठ के बात करो, आप आराम से बैठ के, आप बोलते बेटा मैं इस घर की बहू हूँ, आप बोलते बेटा ऐसी बात क्यों की तुमने, अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को गाली गलौज करोगे तो मैं गाली गलौज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके भाई यहाँ पे दिवाली देने आए थे, जस्ट यहाँ पे वो बात सुलझाने गए थे, उनको गोली लगी। हाँ वो सुलझाने भी नहीं कह सकते, वो खड़े थे। अब वो रिश्तेदार हूँ हमारे प्रधान जी, मेरे जो ससुर जी, उनके पास हमेशा बैठे रहते हैं, हुक्का वुक्का पीते हैं बैठ के, वो खड़े थे। उन्होंने तो इतना वर्ड नहीं यूज किया, आप देख सकते हो वीडियो में, लेकिन उसी के ऊपर फायरिंग कर दी है। और फिर उसका तो नाम भी नहीं पता था, पता नहीं ऋतिक नाम कहाँ से निकाले, उसको तो बोलू बोलते हैं, निकने में उसका बोलू, पता नहीं अब क्या वो निकालना चाहते हैं हमसे खुंदस। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको फायरिंग, जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, जिनको गोली लगी है, उन्हीं को पकड़ के ले गए, रखा है तिहाड़ में, कर दिया 308 लग गई है कि लेडीज के ऊपर हाथ उठाया। हाँ, लेडीज के ऊपर हाथ उठाया, लेडी पावर यूज की जा रही है। तो ठीक है, मैं उनके जेंट्स ने भी तो आपके ऊपर हाथ उठाया, बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल उनके ऊपर क्या 308 लगा? नहीं 308 नहीं लगा उनके ऊपर, तो पुलिस का ये कहना इंसाफ है, उनके पास तो कुछ एविडेंस भी नहीं होंगे। हमारे पास उन्होंने जो उनका जितेन है जो अंदर है फिलहाल, उन्होंने मेरे को डंडा फेंक के मारा, मैं यहाँ पे थी, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर पूरा है, उन्होंने डंडा पीट में जब दोनों के, उनके राजू है जो, उन्होंने मेरे को यूं भी बोला है कि तेरे को घर से उठवाऊंगा, और ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, ड्रिंक करके हमारे घर पे लड़ने आए हैं हम। हाँ मैं भी फॉल्स एलिगेशंस लगा दूँ, मजबूत हो जाएगी, मैं भी लेडी हूँ, मैं भी लेडी पावर यूज करूँ, जितना मिलता है ना उसका गलत फायदा मत उठाओ आप। अगर हम वीमेंस हैं तो वीमेंस की तरह हमें रहना चाहिए, लेकिन अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। उनकी लड़कियाँ मिडल फिंगर दिखा रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, जो चीज़ होती है ना हमारे घर में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है मारपीट लिया बच्चा है, हम गलती मांग लेते हैं, लेकिन वो गाली गलौज करेंगे तो हम गलती नहीं मांगेंगे। बच्चों में लड़ाई किस वजह से हुई? बच्चों में हो जाती है मैम, कई बार हो जाती है, उनकी बनती नहीं है, फिर भी साथ बैठते हैं, फिर हो जाती है, वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, होती रहती है उनकी खेल में। लेकिन उनका शॉर्ट आउट हो गया था ना, हमारी दूसरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम थी, और उनको मारपीट भी रहते हैं, दोनों को पिटते रहते हैं, ऐसा बात नहीं कि उनको पिटते नहीं है, लेकिन अगर हमारे फैमिली मैटर में कोई तीसरा कूदता है तो गलत है, और वो खुद आए हैं, हम उनको न्योता देने एक बार भी नहीं गए ना उनको। आपके बच्चे की लड़ाई किसी और फैमिली से हुई थी? आप
आपस में ही मैं, हमारी एक फैमिली और रहती है उनके साथ हमारी हुई है, तो वो थर्ड पार्टी हाँ, वो खुद इन्विटेशन लेके आए, कोई ले नहीं, हमने तो उनको बुलाया नहीं ना उन्होंने बुलाया, अपने आप आगे बीच में कूद रहे हैं, हवाबाजी चाहते हैं मेन, गुंडागर्दी की, हाँ गुंडागर्दी चाहिए। यहाँ पे आके क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में, की बोल रहे थे की ये कर दूंगा वो कर दूंगा उखाड़ दूंगा ये कर दूंगा बिछा दो इनको, इस टाइप की वर्डिंग थी। आप वीडियो ले लेना मेरे से, वीडियो डालो आप, मैं चाहती हूँ आप वीडियो डालो। फिलहाल आप सामने स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो पे नजर डालिए और जरा देखिए कि जिस तरीके से महिला का कहना है कि यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है। सबसे बड़ी बात आप इस चीज़ का अंदाजा लगाइए कि आपके आप जिस घर में रहते हैं बच्चों की लड़ाई हर जगह होती है, खेल खेल में लड़ाइयाँ होती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का माहौल ऐसा है कि खुलेआम पॉकेट में दो दो रिवॉल्वर दो दो गन्स लेके लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, एक नीच चला तो दूसरा निकाल के मार रहे हैं। मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए ये क्या रहने वाला इलाका है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, दिल्ली है राजधानी है देश की, कानून व्यवस्था कहाँ है यहाँ की, और ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से यहाँ पे गोलीबारी की जा रही है, जिस तरीके से महिला का आरोप है, फिलहाल देखिए इस चीज़ में हम अपनी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंत में ये भी बोलेंगे कि अगर दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखना चाहे, वो अपनी साइड से कोई बात रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, और जिस हिसाब से यहाँ पे गोली चली है काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि पंजाबी बाग स्थित जो जुग्गिया है वहाँ पे गोली चली है, और गोली भी बहुत ही दिन दिहाड़े मारा गया है एक शख्स को। फिलहाल शुक्र है कि उनके पॉकेट में फ़ोन था जिस वजह से उनकी जान बच गई। तो फिलहाल आप देख सकते हैं उनका ये कहना है कि जिन्होंने गोली चलाई है वो आए दिन यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं गोली चलाने के, यहाँ पे दिखाइए ज़रा। क्या लगता है आपको उनके पीछे कोई पार्टी या किसी बड़े हाथ का सपोर्ट है? लग तो यही रहा है, लग यही रहा है, बताया जा रहा है कि किसी भाजपा के नेता ने छुड़वाया था पहले, एक बार पहले भी उन्होंने गोलीबारी करी है। हाँ जी बैठे थे, पॉकेट में फोन था और फोन था, वो फोन था इसके जेब में, कुर्सी में बैठे हुए थे वो, उसको गोली लगी है। हाँ कुर्सी बैठा था, फिर वो बिना बहाने से फायरिंग करी तो इनके हाथ लगी आके वो गोली, और वो कहीं ना कहीं कुर्सी में भी दिख नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फायरिंग हुई आप देख सकते हैं, यहाँ से पास होके पॉकेट के पीछे आई। हाँ यहाँ फोन पे आई है, वो फोन पे लगी, वो फोन ने बचा लिया, वो फोन ने बचा लिया। हाँ चोट तो फिर भी थोड़ी बहुत आई होगी उनको, आई हल्की सी आई है, वो आई है चोट। देखिए यहाँ पे बात ऐसी है कि दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुई थी, बस कहना है ये है कि बच्चों की लड़ाई थी और बच्चों की लड़ाई में परिवार भी शामिल हो गए, और इस हद तक यहाँ पे बातचीत पहुँच गई कि वो परिवार वाले जो दूसरे पक्ष के परिवार वाले वो यहाँ पे आए, दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, मारा पीटी हो गई, और यहाँ पर जिनको गोली लगी है उनको 308 धारा के अंदर पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों ने यहाँ पे वुमेन सेफ्टी के ऊपर सवाल उठा दिया कि उन्होंने वुमेन्स के ऊपर हाथ उठाया। बात यहाँ पे ऐसे है कि दोनों पक्ष में दोनों परिवार वालों ने यहाँ पे हाथापाई करी है, कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, हालांकि अभी इन पक्ष का कहना है, प्रधान जी के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी यहाँ पे कि बातों को ठीक तरीके से सुलझाया जाए, बातों को यहाँ पे बातचीत तक ही रखा जाए या हाथापाई तक ही रखा जाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गुंडागर्दी दिखाते हुए, या मैं कहूँ तो अपने पीछे जो उनको एक बड़ा हाथ मिला हुआ है किसी नेता का, किसी अध्यक्ष का, नाम फिलहाल मैं नहीं लूँगी, लोगों का यहाँ पे आरोप है, लोगों का कहना है कि इसके पहले भी उन्होंने कई बार फायरिंग करी है, कई बार वो जेल में गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं शायद उनके पीछे हुए बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, जिस वजह से उन्होंने खुलेआम सिर्फ नॉर्मल से लड़ाई में, नॉर्मल से हाथापाई में उन्होंने यहाँ पे गोली निकाली और फायरिंग कर दी। उसके पहले भी ये कोई पहली बात नहीं है, उसके पहले भी वारदात हो चुकी है गोलीबारी, यहाँ पे लोगों का आरोप है कि वो आए दिन यहाँ पे गोलीबारी करते रहते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लड़ाई हुई है, आप समझिए यहाँ का माहौल कैसा है, गोली अगर बच्चों को लग जाती, ज़रा दिखाइएगा यहाँ पे, कैमरा पर्सन से निवेदन करूँगी, बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं शाम का टाइम है, और जिस तरीके से यहाँ पे दशहरा ऐसे पर्व में गोलीबारी हुई है, क्या मतलब कहेंगे आप इस चीज़ के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पे वारदात निकल के सामने आई है, यहाँ पे कहाँ सुनी हुई थी फायरिंग फिलहाल वहाँ से हुई है, और गोली चलाने वाला जो शख्स था वो वहाँ पे खड़ा था उस साइड से, और वहीं पे बात करूँगी गोली चलाने वाले जो परिवार है वो भी यहाँ से पीछे ही रहते हैं, पीछे ही है ना वो, ये दूर उनका घर भी यहाँ से पीछे ही है। जिस तरीके से यहाँ पे ये वारदात निकल के सामने आई है दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिल को दहला देने वाली खबर है, और यहाँ पे कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कानून व्यवस्था के साथ साथ मैं बात करूँगी कि क्या अब गोली और पिस्तल
हर एक शख्स लेके अपने साथ घूम सकते हैं। या मैं आप बात करूँ, ये गोली या बंदूक दिवाली के पटाखे की तरह हो गया है कि जब मन कर रहा है किसी को अपने पॉकेट से निकाल के वो बजा दे रहा है। यही अब कहना रह गया। फिलहाल मैं इस वीडियो के अंत में ये भी बोलूँगी कि अभी हमने एक पक्ष, एक परिवार की बात अपने सामने रखी है। अगर आप चाहें तो दूसरे पक्ष वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बात हमारे सामने सही तरीके से रख सकते हैं, अगर उनका अपना कुछ कहना है तो। पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है वो कितने आपको सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ में अश्रेय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।